पैसा दस न तो उनके गोड़ हाथ तोड़ दे न तो चल से चरवाही कर गाय गोलो कुछ भी ना कैल हन उतना डर गोल बड़न कि वो कुछ कह नहीं खा पा दूसरा दूसरा ले मतलब कहत नहीं खाना खाली मोर चाहे सुदिना चाहे तो एक मतलब कि धमकी देता कि बेटा भतार कहीं जाई माने मर्दे जाए चाहे पुतवे जाई तो अपने ना मरी है दूसरा से मरवाई है इहे धमकी देता इतना हमने के कहे तो बा कहीं हमने के जा सब बेटा भतार चाहे हम बके कुछ भी कुए होई तो इनके के हमने के धरब जा और आए है यहीं देखने कि किनका औकात है किनकी औकात है कि भीम आर्मी के रहते हमारे लोगों को बंधक बना लेंगे ये आए हैं देखने के लिए तनी आकर बंधक बनाकर दिखाओ इलाज नहीं कर दिए तो फिर कहा तो मैं 3 साल काम करने 1.5 लाख रुपया दे दिले बन उनका के तो कहाँ से उनका 6 लाख दे हम गरीब आदमी। अभी हम बिहार के बक्सर जिला के चक्की प्रखंड के परसिया गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर विगत दिन हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जहां पर एक दलित परिवार के लड़के को जो है बंधुआ मजदूरी लगभग 4 सालों से तक कराया जा रहा था और बदले में जो है उसे 6 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और लड़का जो है जितने दिन काम किया था उसके मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा था। गाँव के बगल में एक गाँव है जिसका नाम अरक बतलाया जाता है। उस अरक का रहने वाला था नंदजीत सिंह राजपूत और वही राजपूत जो है इस लड़के से जो है नंदजीत सिंह राजपूत वे जो है बंधुआ मजदूरी करवाता था और कोई व्यक्ति से को पैसा जब देता था जैसे 5,000 रुपया दिया तो 2 महीने के अंदर 50,000 रुपया अगर कोई व्यक्ति उसे नहीं देगा तो फिर उस पर जो है ये हैवानीय तरीके से बिहेव भी करता था। बाकी इस मामले को लेकर इस गांव में आज भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल प्रधान जी और जो जिला कमेटी है बक्सर की वे तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है लेकिन आवाज़ उठाने के बाद जो है क्या कुछ प्रभाव पड़ा है यहाँ के महिलाओं से पूछेंगे जो लड़कियाँ थी उस दिन उन लोगों से पूछेंगे। अच्छा ये बताइए वो दिन लोग आए रहे आवाज़ उठल का कुछ परिवर्तन बा? हाँ कुछ नहीं खन बोलत कुछ नहीं खन बोलत तो आप फिर मैंने पैसा वैसा मांगा तो ना 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 आई नहीं खन आई नहीं खन हाँ पैसा वगैरह मांगा तड़न ना 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 पैसा अभी नहीं खन मांगा तो ना आई नहीं खन ये जा तो कि फिर बाद में आई रहना समझौता करे खातिर ना हमने के फिर ना आई रह तो अइला से कुन असर पड़ल बा कि ना भी मरनी के आई न्यूज़ देख ले हाँ पड़ल का अब क्या असर पड़ल पड़ल बा कि अइला से तो मने आवत नहीं खन ना पैसा मांगे आवतला हाँ। का का जुल्म करत रह पैसा ना देला ना पैसा देला पे उ हमने से तो कुछ ना कहत रहन ये कहत रहन कि पैसा दस ना तो उनके गोड़ हाथ तोड़ दे ना तो चल से चरवाही कर ये बात कहत रह चरवाही करवे हाँ रो सका हमने के कहन के चरवाही ना करब जा रहा और पैसा हमने के दे देते आ काहे गाड़ी देतनी हमने के इज्जत नहीं खेरा और ढेर इज्जत बा इज्जत ले पैसा ले तो देव जा ना इज्जत ले लेब नो त ना दे ये बात है तो अब वो सब काम मांग कर चाहते हैं भीम आर्मी के यहां पर प्रदेश लेवल के टीम भी आई है। अब हमने के रोरो सब में हमने के जुड़ल चाहता नहीं जा जाननी जा अब ये कह सारा नाम पड़ी गीता देवी। तो गीता देवी है जैसा बता रही है कि वहाँ पर जिस दिन घटना घटी थी और जिस दिन हम लोग आए थे और भीम आर्मी के जो पंचायत लेवल के आला अधिकारी तो भी आए थे और आवाज़ उठाने के बाद असर हुआ है। असर ये हुआ है कि जो व्यक्ति जो है कर्ज मांग रहा था वो अब नहीं मांग रहा है। बाकी और इस मामले पर अन्य लोगों से हम बात लेते हैं का उस दिन मतलब आवाज़ उठल तक का कुछ असर पड़ा आवाज़ कुछ असर पड़ के भी थी धमकी ना दिल अल ना दुआारी पर कल कि मूर हमारा के दे दलो सूद के हमारा काम नहीं थे ये बात कल और कौन बात गाली गलौज वगैरह अभी गाय गलौज कुछ भी ना कैल हन उतना डर गोल बड़न कि वो कुछ कह नहीं खा पा दूसरा ले मतलब कहत नहीं हमें खाली मोर चाहे सुदिना चाहे ये इतना बात और वा कितना कर्ज मतलब हम ले रहनी है कर्ज उनका ले 30,000 ले 4 साल हो गए जब से रुपया देना तब से खटनी अब वो रुपया के कब रौरा सब जानब जब हमारे हिसाब दी है कि ना दी है कि उनका मुरे हमारा देवे के पड़ी अब रौरा सब हल निकाल वो से मतलब चूंकि 30,000 वो सब ले रही है तो कितना पैसा मांगा तरह ना पहले मांगा तरह 3 लाख रुपया 30,000 के 3 लाख 3 लाख मांगा तरह 3 लाख मांगा तरह तब कौन जाके हम जैसे जैसे हो ये ब्यौर हवा के जैसे जैसे हो वैसे हम तरह के दे हम
तले हम काम कर दे हम चढ़ावले जाए काम कैले चढ़ल बा कि नहीं चढ़ल अब का करिए ना करिए नबू के हाथ में सबके का अब मांग अब ये मांग बा कि हमको जो दिले बन जाए तो उन्हें समझ के हल हो जाए कि का हो अब का करिए नबू के मन के बात बा तो वही कहना बा कि जो पहले पैसा दिया गई बा अब पैसा मत मांग हाँ ये बात बा कि अब जब हो गल तहन हो गई हम तारा के कह दिले बानी हमारो तब जब सुध जोड़ब तो हमारो जोड़ी ल तुम अपन जोड़ अब ये बात बा कि अब एहन तब ना सोझा सोझी बात हुई बाकी अभी कहें हैं कि मूर हमारा के चाहे सुदिना चाहे अब गाड़ी ग्लोज नहीं अभी गाड़ी ग्लोज कुछ भी ना दिले हैं दूसरे दूसरे ले मतलब दूसरे दूसरे कोई आवता कहता अभी बात उल्टा ना बोलने हैं ये बात रमिता देवी तो रमिता देवी जो है इसी परिचय गांव की रहने वाली महिला है और ये भी पीड़ित महिला है जैसा कि हमने बताया कुछ दिन इन सारे महिलाओं लोगों को हमने बाइट दिखाया और बाइट दिखाने का असर हुआ और यहां पर भीम आर्मी की टीम आई और उसका भी एक असर हुआ कि जो नंदजी सिंह राजपूत था अब इन लोगों से पैसा मांगना बंद कर दिया है और जिस तरीके से लफ्ज़ों का प्रयोग करता था और जिस तरीके से जाति सूचक गाली देता था माँ बहन करता था वो भी बंद कर दिया है। यहाँ पर भीम आर्मी की प्रदेश लेवल के यहाँ पर प्रभारी भी आए हैं उन लोगों से भी हम इस मसले पर पूछेंगे बैठ लेंगे। लेकिन इस मामले में एक मतलब अच्छा निर्णय निकल कर आया है कि आवाज़ उठाने का असर हुआ है। असर ये हुआ है कि जो व्यक्ति जो है दबंग यहाँ पर दबंगई दिखा रहा था वो दबंगई बंद कर दिया है। गाँव में जिस तरीके से परसिया गाँव में बंधुआ मजदूरी जो है लोगों को बनाया जा रहा है उसकी एक पीड़िता जो है एक बूढ़ी माँ है का कर लो का कर ले जे कटिया कर ले जा सोहनी रोपनी हेन कर जा मजदूरी कर ले मजदूरी कर ले जा रोपा ठीक बा। नंदजी सिंह जो राजपूत बड़न ओका कर ले अपना दुआ पर बैठा रहना अपन नौकरी कर रो सब के साथ का कैसन कैसन व्यवहार कर ले ओ बानो ये पैसा देलनो तो तनी फुहर पतर बोल ले ल हां तनी फुहर पतर बोल ले ल बेटी रोटी कर रही हैं तो बता से हो कितना पैसा ले रही है 30,000 ओकर ज्यादा बढ़ा के बताओ का कहब रुआ अभी आज भी धमकी आवता क्या लोग कहते हैं धमकी देता है सा कि हम अहूँ धरती पर बानी तो तोहनी के बता दे हब बता के आ रहब धरती पर तो एक मतलब कि धमकी देता है कि बेटा भतार कहीं जाई माने मर्दे जाई चाहे पुतवे जाई तो अपने ना मरी है दूसरा से मरवाई है ये धमकी देता है रो सब पैसा ले रही है ना, ना, तो सब के धमकी आवत है हाँ धमकी आवत है अब वो सब काम मांग कर चाहते हैं हम मांग चाहत हैं जा कि राह घाट में बेटा चाहे सामांग भी काम करे गोई केहू बोलो जाना केहू बोली तो इधर आई लो धराई है नू ये धराई है ये बात अब कहीं ना कहीं सभी महिलाओं में काफी गुस्सा व्यक्त है का कह रहा अभी भी अब धमकी आवत है ना अब तो सर धमकी नहीं खे आवत जब से हुड़ग्राम भइल तब से पल ही आवत रहला धमकी कुल कर तलहन दे कह तलहन गाड़ी पकड़ उहे दे तलहन अभी ये अदना हमनी के कहे तब कहीं हमनी के जा सब बेटा भतार चाहे आम बके कुछ भी हो तो इनके के हमनी के धरब जा हाँ ये हमनी का इतना कहा नाम बा पैसा के लेके क्या कहत पैसा के का कहा नाम बा कि जन हम दे देले बने त ना अब ना दे हम उनका के लेकिन वो अभी मांगत हन हां अभी वो मांगत हन कि सु दिन अंद लोग हमरा के मुरे दे दलो हां कितना मुर बा हमारा कने मुर 5,000 बा 5,000 के बदले 50,000 मांग 50,000 तो वो तो भर देले बनी सर जी येने के कुवार में के हटे अब एकर ब्याज भी जोड़ के मांगिया तो हम अब ना दे सको ना दे बिल्कुल और निश्चित तौर पर ही जो इस तरह का बिहेवियर करता है उसे पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। बक्सर के जो जिला कमेटी है और जो बिहार के प्रदेश के जो आला अधिकारी वो भी यहाँ पर आए हैं। फिलहाल जो है सुरेश आजाद जी है जो कि मोदी जी के खास मंत्री को धूल चटाने के लिए जाने जाते हैं। क्या कहिएगा नंद सिंह राजपूत के जो व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है ऐसे लोगों के लिए? वैसे लोगों को बहुत जल्दी इलाज होगा। हमने यहाँ इलाज करने ही आए हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया है बंधक बनाकर मजदूरी करवाया जा रहा था और हमारे माँ बहनों को भी आकर
घर से खींच कर ले जाकर मजदूरी करवाया जा रहा था, ये हमको सूचना मिली तो हमारे पूरे जिला कमेटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ आए हैं और आए हैं यहीं देखने कि किनका औकात है, किनकी औकात है कि भीम आर्मी के रहते हमारे लोगों को बंधक बना लेंगे, ये आए हैं देखने के लिए, तनी आकर बंधक बनाकर दिखाओ, इलाज नहीं कर दिए तो फिर कहना। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा जायज है कि जिस तरीके से यहाँ पर दलित वर्ग के से आने वाले लोगों को प्रताड़ित किया गया है, कहीं ना कहीं भीम आर्मी जो अपने तेवर के वजह से जाती है और आंखों में साफ साफ झलक भी रहा होगा तेवर, क्या कहिएगा भीम आर्मी के प्रदेश अनिल प्रधान जी? बिल्कुल, ये जो हरकत व्यक्ति कर रहे हैं ये गलत मानसिकता के हैं। अब राजतंत्र नहीं रह गया है, ये देश संविधान से चलता है, ये जानकारी सबको है। लेकिन हमको जो ही खबर मिला, अपने जिला कमेटी के साथ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इस घटनास्थल पर पहुँचे और तुरंत जो इस तरह का हरकत किया है उसके बारे में जानकारी सुनिश्चित किए और यहाँ तुरंत SDPO साहब से बात हुआ और जा करके हम अभी बैठकर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। क्या लगता है नंदी सिंह राजपूत पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, नहीं होगा तो यहाँ के DM साहब और SP साहब और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो बिहार के हैं उनके यहाँ तक मैटर चला जाएगा और उनकी नींद हम लोग हराम कर देंगे। और ये जो है भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक थे अनिल प्रधान जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा सर नंद सिंह राजपूत वाले जो मानसिकता वाले लोग हैं ऐसे लोगों के लिए? देखिए सर, हमारे प्रदेश सदस्य आपसे जो भी सुने बस आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बता देना चाहते हैं कि ये भीम आर्मी है, गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज जो भी मनवादी विचार के लोगों के द्वारा किया गया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, अगर नहीं होती है तो बक्सर जिले में भूचाल आ जाएगी। चलिए, और कहीं ना कहीं जो है भीम आर्मी जितने भी यहाँ पर कैडर आए हैं सभी लोगों के अंदर जो है काफ़ी तेवर है, क्या कहिएगा सर? देखिए, देश में कानून है, कानून पे हमारे लोग विश्वास करते हैं और हम ठहरे भीम आर्मी के लोग, हम लोग तो बर्दाश्त ये करेंगे नहीं। क्या आप यहाँ से उठा ले जाइएगा घर के परिवार को भी? एक लड़के को तो ले ही गए हैं, उसको बंधुआ मजदूर बना के दिन रात 24 घंटे उसको खटा रहे हैं, 50,000 की 45,000 रुपये दिए थे और 6,00,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? हम तो इतना ही बोलेंगे कि इस पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग अपना स्तर से सुधार देंगे इनको। नंदी जी, क्या नाम है उसका? नंदी सिंह राजपूत। ये आप भी कान खोल के सुन लीजिए, कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देखिएगा, आप अपना तेवर से बदल जाइए वरना हम लोग का तेवर बहुत भारी पड़ता है। धन्यवाद। क्या परिचय सर? मेरा नाम है बिकी बाबू, भीम आर्मी प्रभारी संगठन के। यही वो लड़का है जो कि नंद सिंह राजपूत के यहाँ लगभग 4 सालों से बंधुआ मजदूरी खट रहा था और बदले में जो है वहाँ पर जब जाने को कहा कि हम यहाँ पर नहीं काम करेंगे तो बदले में पैसा 6,00,000 रुपए की मांग किया और नहीं देने पर जो है इनके साथ वसूली की मां बहन किया और हम लोगों ने आवाज़ उठाया, उसका क्या कुछ असर पड़ा कि नहीं जब हम लोग आवाज़ उठाए थे? मान ली रहो सब आवाज उठा के गोरे जाए तो चौथा दिन आई रहा जो 3 जन हमारा के चल जब लहट बा हम कहीं हम ना जाए हमारे बैंक धके लिए तरला जाए कहूँ हम ना जाए तो हमारे भैया आई रहे निहरक से राज बलीगढ़ तो भैया वहाँ खाड़ हो गई अपन कहाँ ले जाए बोलो तंगा कर ले जाए ले जाओ तो कहने ना तो जान जाए कि हमारा के 6,00,000 रुपये के कहतन के तू 6,00,000 रुपया दे दू जाइ से हाँ बरियारी तो मैं 3 साल काम करनी 1,50,000 रुपया दे दिले बन के तो कहाँ सुनगा के 6,00,000 दे हम गरीब आदमी मतलब आवाज़ उठाने के बाद भी आज भी धमकी आ रही है उनके। हाँ तो अब तू लोग का कॉल चाहता हूँ तो हम ये कॉल चाहता नहीं कि हमारा के भी हमारा का धमकी ना आते वो। हाँ और पैसा माफ़ हो जाए पैसा माफ़ हो जाओ तो कहता कि ना चला उजे तारा के बुलावा तोड़ा मारे पीटे खाती मारे पीटे के लिए। हाँ तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं इसको लेकर? हम ये मांग करते हैं जल्दी से जल्द सजा मिलेगा चाहिए। हाँ बिल्कुल, और हमने जैसा कि बताया अभी पिछले वीडियो जो शूट किए थे यहाँ पर आए थे बताए थे कि ये जो बंधुआ मजदूरी है ये जो है 1976 में समाप्त कर दी गई थी और जो व्यक्ति जो है आधुनिक युग में इस तरह से कोई एक्टिविटी कराता है तो वो जो है 2 साल के अंदर जेल में उसको सड़ाने का प्रावधान है। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भीम आर्मी के आला अधिकारी आने के बाद जो है उस नंदी सिंह राजपूत पर क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है।